हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम काइनमास्टर में कैसे थंबनेल बना सकते हो। तो बहुत लोग यार पूछते भी हैं कि कैसे थंबनेल बनाते हो, तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बैकग्राउंड इरेजर चाहिए होगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। पर ध्यान रखना, इसके बहुत क्लोन्स होते हैं इसी सेम लोगों के। तो बैकग्राउंड इरेजर देखो, ये ब्लू है ना, ब्लू इसका सर्कल, तो उससे डाउनलोड कर लेना। तो इसको तुमने खोलना है और फिर अपने अवतार का पिक लेना है। तो ये रहा मेरे अवतार का पिक, तो मैं इसको फिर तुम इसको क्रॉप कर लो। फिर यहाँ ऑटो वाला एक बटन होगा, तो इस पे जाके यहाँ छोड़ दो, ठीक है, ये हट गया। फिर मैन्यूअल पे जाके साइज बड़ा करके ये सारा बाकी हटा दो, ठीक है। अब ये तुम्हारा टिक हो गया, ये हो गया सेव। तो इसके बाद अपना काइनमास्टर ओपन कर लो। तो 16:9 रेशियो सेलेक्ट करके या तो तुम देखो, या तो तुम गेम में से कोई ऐसे बैकग्राउंड में से पिक ले लो, जैसे ये हो गया, ठीक है। जैसे इस पे तुम अपना अवतार ले लो, ठीक है। तो ये हमने अपना अवतार ले लिया, इसको बड़ा कर दो, ठीक है। तो जैसे अब तुमने कुछ किया है, मतलब गेम प्ले है, तो लिख दो तो अब इसमें तुम लिख लो आउटपोस्ट मैप गेम प्ले, ठीक है। अगर तुमने क्लच वच किए हैं तो क्लच भी लिख दो, 1v9 क्लच जितना लिखना है लिख दो। इसका भी कलर वलर सेट कर लो, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद तुम इसको एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट के बाद तुम अपनी गैलरी खोलो, तो ये आ जाएगा। तो फिर इसका ना ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये जब तुम आईटी स्टूडियो से सेट करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना।